महादेव जी अभिनंदन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ क्योंकि मेरे भी गुरु हैं। श्री गिरधर जी आप नहीं मरम समझ कोई पाया, सब ज्ञान के बिंदु विफल हुए, बुद्धि का भ्रम भी गहराया, कोई पाया तेरे भय से तो काल डरे, मैया से कैसे घबराया, रोना हंसना आधीन तेरे, ग्वालों ने कैसे रुलवाया, नहीं मरम समझ कोई पाया, मायापति ब्रह्म निरंजन तो माया के जाल न फंस पाया, ब्रज गोपिन के उस प्रेम भरे बंधन से मुक्त न हो पाया, नहीं मरण समझ निज जननी के छह पुत्र मरे, गुरु सुत को यम सौ ले आया, पांडव की पग पग रक्षा की, पर भीम के पौत्र को मरवाया, नहीं मरम समझ लौटाया, नहीं मरम समझ कोई पाया, शिशु की रक्षा तो गज घंट कवच सा पहनाया, फिर द्रोण के प्राण हरण हेतु निर्दोष गजंद क्यों मरवाया, नहीं कृष्ण से द्रविड़ो राधा
Bye.
श्री पूज्य भाई गिरधर दादा आपसे फिर मुखातिब होंगे। इस बीच में यहाँ पर बाबी समाज के विशिष्ट नागरिक महाराज जी का अभिनंदन करने आए हैं, तो दो मिनट समय कार्यक्रम महाराज जी के अभिनंदन के लिए मैं सबसे पहले मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर बहादुर कृष्ण चतुर्वेदी को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने महाराज जी के लिए अष्टक लिखा है। डॉक्टर चतुर्वेदी डॉक्टर चतुर्वेदी का स्वागत करेंगे भाई गिरधर दास। और
कुमार थे देवन कुमार दारो नंद की कुमार पे। ये वहां ब्रज में विराजे हैं जहां अश छाप के कवि ने वाणी संसार में स्कूल खुले हैं। अद्वैत द्वैता द्वैत वशिष्टा द्वैत और जाने कितने कितने, पर ब्रज भक्त को स्कूल अलग है। वे न मरने के डर पर न मुक्ति मांगे, वे ठाकुर जी से यही मांगे हमारा जन्म जन्म ब्रज में जन्म हो। वेदना तो सौ छी स्वामी आचरा पसार मानो, ये हो वेदना तो सौ आचरा पसार मानो, जन्म जन्म की जो मोर है वाही ब्रज बस। ये हो वेदना तो सौ आचरा पसार मानो, जन्म जन्म की जो ही ब्रज बस। वो उस ब्रज की महाराज पधारी हैं तो राज का भाव भावात्मना भारत। महाराज जी राधा भाव से भारत रहे। कभी कभी तो मुझे धोखा हो जाता है जब आप अपने स्थान में भाव विभोर हो जाते हैं तो महाराज जी क्षमा कर मुझे तो राधा रानी चमक रही रहती है। महाराज का राधा रानी भी रसत हो जाए। राधे का भाव भावात्मना भावतम, यश देश विदेश जनई पूजितम, संस्कृति कृष्ण प्रेमान्वितम भावयन भक्ति वेदांत नारायणो भ्रायति, भक्ति वेदांत नारायणो भ्रायति। जो गौरी संस्थान के संचालक हैं, यस्य गौरीय संस्थान संचालक यात्रया मंडल श्याम संवर्धक, यस्य शांत प्रसन्नानः सर्वणः भक्त वेदांत नारायणो भ्रायति। संपूर्ण शास्त्र जिनकी जो भाग रहते हैं और नास्तिकों के एवं आदि हाथियों को अंकुश हैं उन महाराज को मैं नमन करता हूँ। सर्व शास्त्रानुसंधान के तत्पर नास्तिके भांकुशो लोक से भारत, वैद्य के तांत्र के तत्व ज्ञाने रतः भक्त वेदांत नारायणो भ्रायति। एति वेदांत संन्यास काले मुना यो करोत् तस्य सर्वं विधं शास्त्रतः शिष्य वृंदस्य मार्गच्युते योग्यजत् भक्त वेदांत नारायणो भ्रायति। बहुत कम लोग जानते हैं विश्व में जिन्होंने ये हरे राम हरे कृष्ण का इतना बड़ा कार्य किया। हमारे महाराज जी ने 1959 में उनका ये दीक्षा विधि का जो पौरोहित्य था आपने संपन्न कराया था हमारी मथुरा में, और ऐसी वेदांत की फिर विश्व में इस कौन हरि राम हरि कृष्ण का ध्वज लेकर के पधारे थे। आपने ही वो कार्यक्रम किया और उस समय भी भागवत पत्रकार की वे संहारपति थे और मैं सहायक मंडल में संपादकों में था। तत्समी पत्र काया संपादक साम्प्रतम गौरियाचार्य वृंदेशो सर्वरत संस्थित सर्व कल्याण कर। महाराज जी सबका ही कल्याण करते हैं और दुर्वासा कितना सभी मंदिर वृंदावन कितने मंदिर आकर पा रहे हैं। मंदराणां च निर्माण कार्ये रतः भक्त
वेदांत नारा यो भ्रायति शांत मुहूर्त सदा वैष्णवानां प्रियः करम दक्षा स्वधर्मस्य संरक्षकः स्वार्थहीनस्य विज्ञस्य संपूजकः भक्तवेदांत नारायणो भ्रायति। अंतर है राधा कृष्ण की लीला में नमक रहते महाराज जी और कृष्ण नाम प्रचार में हमेशा तत्पर, इसी कारण विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं। राधिका कृष्ण लीला रथात्मा स्थित कृष्ण नाम प्रचारे सदा तत्पर नाम दीक्षा प्रदाने मुदा संस्थित भक्त वेदांत नारा यो भ्रायति। यहाँ जो पद है रहे हैं सभी महानुभाव एक दो मिनट मेरे साथ आप ही इनका स्वागत कर रहे हैं तो यह नहीं है कि माता जी ने जब बहन ने संस्कृत का यहाँ भजन किया तो सबने साथ दिया, आप ही एक लाइन मेरे साथ बोलेंगे कि मैं पहली पंक्ति बोलूंगा और आप बोलेंगे हम आपका स्वागत करते हैं, तो स्वागत करते हैं कि पंक्ति संस्कृत में होगी। वयम तब स्वागतम कुर्म, ये पंक्ति आपको बोलनी है, हम सब आपका स्वागत करते हैं क्यों आए इसीलिए। तो एक दूसरा एक छंद नाम तो नहीं लेना चाहिए, बाहर को भूल बरसाओ का याद आ गया उसमें बना देता हूं। भक्त वेदांत नारायण त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः हे गौड़ीय वैष्णवाचार्य हे गौड़ी वैष्णवाचार्य त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं श्यापी वर्ग
धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतं से Oh.
कि गायत्री एक सूर्य जपा मंत्र है। किंतु हम लोगों के परंपरा में जीव गोस्वामी इत्यादि आचार्यों ने वेद शास्त्रों का मंथन करके ये कि गायत्री स्वयं ही एक इष्टलिंग शब्द है। तो गायत्री की अधिष्ठात्री देवी कोई देवी होनी चाहिए, देव नहीं। इसलिए न तो सुजीत के अधिष्ठात्री देव है, न कृष्ण ही है और कोई है। वेद का प्रणव ओंकार है। ओंकार का तात्पर्य गायत्री में ही है। और गायत्री क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः धीमहि। जो देव हैं कौन है यह निर्विवाद सत्य है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। वे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, अद्वितीय है, उनके समान के नहीं है कोई और बराबर के। किंतु ये जो कृष्ण है रस के समुद्र होने पर भी एक रस और अनेक रस है। एक रस में ऐसा कुछ भी नहीं बाकी है जो वो नहीं जानते, कुछ भी बाकी है, सब कुछ जानने वाले। क्या रस है? रस तत्व है। वो रस वही सहज स्वयं ही रसस्वरूप है, कुछ भी उनके लिए बाकी नहीं जो कुछ जानना उनके लिए। किंतु अनेक रस में कुछ एक विशेषता है, विशेषता है कि अनेक रस में अपनी जो प्रिया जी हैं, अपनी हृदय शक्ति जो राधिका जी हैं, कृष्ण के प्रति जो उनकी सेवा की प्रेममयी भावना है, जैसी सेवा करती हैं, उन भावनाओं को कृष्ण नहीं जानते। हमारे प्रति राधिका जी की कैसी भावना है, कैसा उनका प्रणय भाव है, कृष्ण के कामाधुर्य कैसा है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, रस माधुर्य कैसा है, और हमारी सेवा करके उनको कौन सा सुख होता है, कैसे वो पागल बन जाती है, कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी ये चीज उनको पता है। राधा जी को कृष्ण देख करके वो समझते हैं कि उनके प्रति हमारा कैसा प्यार है, उनके हृदय में कैसी उमंग उठ रही है, ये सब जानते हैं। कि मुझे देख करके ये राधा जी ऐसे पागल क्यों हो जाती हैं, ऐसे तन्मय क्यों हो जाती हैं, इसकी को नहीं समझता। क्यों? अखिल रसामृत सिंधु होने पर भी प्रेम के ये विषय हैं कृष्ण, प्रेम के आश्रय नहीं है। राधिका जी प्रेम के आश्रय में सर्वोत्तम है, उनके हृदय में महाभाव इत्यादि, मादन मोदन इत्यादि के भाव हैं। क्यों? कृष्ण बहुनिष्ठ है, और ये जो गोपियां हैं और राधा जी हैं उनमें सर्वोत्तम, ये एक निष्ठ है। गोपियों का कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, वे सर्वोत्तम, सब पूर्ण रूप से उनके प्रति है। किंतु कृष्ण इन गोपियों के लिए भी किसी एक भक्त को नहीं छोड़ते। यदि गोपियां कहें कि हम जैसे आपके प्रति एक निष्ठ हैं, आप भी हमारे प्रति वैसे ही एक निष्ठ हो जाएं, तो मैया को भी छोड़ देना पड़ेगा, नंद बाबा को भी छोड़ देना पड़ेगा, और सारे ब्रजवासियों को भी छोड़ करके एकमात्र राधा जी जैसे कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, वैसे कृष्ण को भी उनके प्रति समर्पित होना होगा। किंतु कृष्ण के लिए संभव नहीं,
इसलिए कृष्ण उनके प्रति विलीप हो जाते हैं, उनकी भावना के। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया न पारे हम निरभक्त तुम लोगों की शरीर से कभी भी उड़न नहीं हो सकता, विशेष करके श्रीमती राधिका जी के लिए कहा। गायत्री में इसी चीज को यह दिखलाया गया है, भर्ग देवश भर्ग मन तेज शक्ति फ्लादिनी शक्ति अभिन्न उनकी शक्ति ये राधिका जी, ये उनका तेज या शक्ति है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी इसकी स्वयं व्यास जी ने ही या सुखदेव गोस्वामी ने ही इसकी व्याख्या की। गायत्री का भाष्य अकृत्रिम भाष्य श्रीमद् भागवत है, हमारे चतुर्वेदी जी बहुत इस विषय में पार लिखे, जितना मैं नहीं व्यक्त कर सकता उसे बहुत पूरी कर सकता। तो भगवत देवश्य की नहीं, मैं उस शक्ति का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? यदि कृष्ण की सेवा करनी है तो विषय कृष्ण के जो है उनके ध्यान चिंतन और उनकी कृपा से होगा। न कृष्ण की सेवा यदि करनी है तो राधिका जी के भाव को लेकर के हम सेवा करेंगे। इसकी अर्थात कृष्ण तो रस के उपभोक्ता है और श्रीमती राधिका जी रस की आधार है। इसलिए यदि हमको कृष्ण सेवा की जुगल सेवा की जरूरत है तो राधा जी की ही जरूरत होगी, उन्हीं की सेवा की भावना हमारे अंदर में आएगी, तब हम उनकी सेवा कर सकते। कृष्ण सेवा के भोक्ता है और सेवक ये सारी गोपनियां हैं। तो इसलिए मत समझ जाइए कि जैसे जो उपभोक्ता है वही श्रेष्ठ है, उपभोग्य है वो श्रेष्ठ है, ऐसा मत समझ। कृष्ण ही राधा जी है, राधा जी ही कृष्ण है। अभी ये अपने कृष्ण ही राधा के ये रूप में प्रकटित हुए हैं, इसलिए उनका राधा नाम है। रा कतई अनुराग से भर करके कृष्ण के तरफ में दौड़ती हैं धाव, अथवा इसको इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बतलाया है, कृष्णेन आराधिता, ये कृष्ण के द्वारा आराधित हैं और कृष्ण की ये आराधना करती है। राष्ट्रपति से ये तो कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं अथवा कृष्ण की जो आराधना करते हैं। प्रेम एक ऐसा चीज है, हमारे शास्त्रों में कृष्ण को प्रयोजन नहीं बतलाया गया, प्रयोजन बतलाया गया किस चीज को? प्रेम को। प्रेम दोनों को ना चाहता है, इसलिए प्रेम को प्रयोजन बतलाया गया। या प्रेम न रहे तो कंस भी तो कृष्ण को जैसे हो याद करता था, स्मरण कर। तो यदि प्रेम न रहा था तो हम कंस की श्रेणी में जरासंध की श्रेणी में चले जाए, और यहां तक कि उनकी शक्ति को यदि नहीं माने तो निर्विशेष ब्रह्म की सूची भी हम चले जाए। इसलिए कृष्ण यदि रसिक है, कृष्ण यदि मनमत मनमत है, कृष्ण यदि रस के सागर है तो राधा जी के कारण है। कैसे अभिन्न है, भिन्न नहीं, कहिए तो भिन्न न भिन्न, तुलसीदास जी सीता जी भिन्न नहीं, एक ही है। इसलिए राधा जी की शास्त्र में बहुत महिमा बतलाई गई। श्रीमद् भागवत ये गीता गायत्री का ये भाष्य इसका है, उसमें ये कहते हैं ब्रह्म क्या है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उस उत्तर में कहते हैं जन्मादश्य गत, जिससे जन्म होता है किस चीज का। और तो जो व्याख्या है, व्याख्या है हमारे गोस्वामी ने जो बहुत ही रहस्यपूर्ण व्याख्या की वो दिया, आद्य रस का जिसमें जन्म हुआ। आद्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस, मधुर रस है। राधिका जी का भाव ही श्रृंगार है, इसलिए आद्य रस कहां से प्रकट हुआ? कृष्ण से नहीं, कुछ अंशों में कहा जा सकता, किंतु राधा जी को छोड़कर के कृष्ण यदि रहे अकेले तो ये माधुर्य रस भी श्रृंगार रस बन नहीं सकते। राधा जी के भाव को ही श्रृंगार भाव कहा गया, इसलिए आद्य रस कहां से हुआ? श्रीमती राधिका जी से प्रकट हुआ, इसलिए उसको और आगे लेकर के रस तेजो बाल निदान जत विनमयो जत से सर्वोत्तम प्रसाद धम ना श्री निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। ये राधिका जी के लिए प्रणाम,
कृष्ण के लिए कुछ अंशिक रूप में लोग कहते हैं। श्रीमद् भागवत ही राधा पर्व है, कृष्ण के लिए और सब शास्त्र हैं, और व्यास जी ने सबका प्रणय किया, प्रकाश किया, किंतु उनको शांति नहीं मिली, चित्त में स्थिरता नहीं थी, वे कुछ चिंतन कर रहे थे। मैंने सब शास्त्रों को बनाया, सबको प्रकाशित किया, वेदांत के भी हमने वेदांत को भी प्रकाश किया, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा और पुराण भी हमने बनाया, किंतु हमारा चित्त खिन्न क्यों है, क्यों नहीं संतुष्ट है। और इसी में नारद ऋषि आ गए, नारद जी से पूछा, उनका सत्य है तुमने सब कुछ किया, किंतु तुमने कृष्ण की लीला कथाओं का और उनकी स्मृति जी का तुमने भजन दिया, इसलिए तुम भक्ति योग के द्वारा चिंतन करो और उनकी कृपा से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वस्तु तुम्हारे अंदर में स्थित होगी। उस समय उन्होंने नारद जी की कृपा से बहुत लंबा संवाद है, मैंने संक्षेप में ये बतलाया। उस समय में भक्ति योग मनसी सम्यक पणित अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण, कृष्ण को पूर्ण रूप में देखा। कैसे पूर्ण रूप में देखा? अभी तक जितने भी पुराने में उनका वर्णन किया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वेदों के कुछ तापी इत्यादि में उनका वर्णन किया गया है, किंतु वो पूर्ण नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ति श्रीमती राधिका जी का गोपियों का वर्णन उसमें नहीं था। क्या उसमें वर्णन था? श्रीमती राधिका के वे नहीं कुछ उतार नहीं सकते, रास में जो लीला हुई उसका बहुत ही हमारे गोस्वामियों ने उसके वर्णन किए हैं। उसमें राधा जी के पैर के जो नुपुर यदि छिटक जाते हैं तो कृष्ण दौड़ करके आते हैं, बांधते हैं, उनके मुख पर जो धूलि या ये सबको अपने पिताम्बर से लेकर के उनको पूछते हैं, कहते हैं कि तू थक गई, तुम लोग का ऐसा प्यार में कभी भी ऋण से उपयोग नहीं हो सकता इत्यादि। यहां तक कि देखो उद्धव जी ब्रज में गए, उद्धव जी को कृष्ण ने किसने भेजा? माता पिता का सांत्वना देना ये तो बहाना था, इसलिए नहीं भेजा। मथुरा में यहां पर गोपियों और ब्रज में गोपियों को समझाने वाले बहुत ललिता विशाखा इत्यादि एक भाव वाली है, उनको कुछ धैर्य धरा रहे हैं, उनके अनुसार में कुछ बातें पीछे करती हैं। राधिका जी भी उनसे बातचीत करते, अपने विरह वेदना का कुछ प्रशमन कर देते हैं, किंतु कृष्ण को इतना जो विरह से संताप है उनको कोई भी समझाना सांत्वना देने वाला, इसलिए उद्धव को भेज रहे जाओ, जहां पर मैंने प्रेम की का पाठ पढ़ा है उस प्रेम की पाठशाला में गोपियों के पास ले जाओ और वहां से कुछ सीख कर जाओ। यहां से मैंने सीखा, इस प्रेम का पाठ सिखलाने के लिए उन्होंने किया। उद्धव गए और जब वहां पर गए तो देखा कि हम इसके छात्र भी होने योग्य नहीं। उस समय में वो कहते हैं विरहेण महाभागा, आपके विरह ने हमको महासौभाग्यवान बनाया, आज मैं ये समझा कृष्ण ने हम पर अनुग्रह करके भेजा हमारी तुम आप लोगों का महात्मा देखने के लिए, तो मैं आप लोगों के भावों को ग्रहण नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे चरण की वंदना करता हूं, आशा महो चरण रेणी दिशा महम श्याम वृंदावने कि मैं गुण प्रदर्शन से जा दुष्पजम स्वजन आर्य पतन के हित पर हे जे मुकंद पदवी। सुतिया जी को खोजती हैं और वे मुकुंद को कृष्ण को अपने हाथ में बांध करके रखती हैं। उन गोपियों की चरण की वंदना करता हूं, उनकी चरण की धूलि को पाने के लिए ब्रज में कहीं घास गुणमलता हो जाना चाहता हूं, यही हमारे लिए बहुत। और अंत में वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पार रेणुम भिक्षण, कृष्ण के लिए ऐसा नहीं करा, क्यों? इसीलिए जब उनका भाव देखा कृष्ण के प्रति तो उन्होंने कहा जैसे मथुरा में कृष्ण नहीं है होंगे तो आंशिक रूप में संपूर्ण रूप से कृष्ण तो ब्रज में गोपियों के पास भी रखता है। और कृष्ण ने ऐसा कहा भी है वृंदावन प्रति कृपा दे कम न, इसलिए उद्धव जी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु
क्या कहते हैं, बहुत सी गोपियां हैं, उनमें से एक धूली को प्रणाम कर रहे हैं, एक धूली एक वचन है, और गोपीनाम ये बहुवचन, करोड़ गोपियां हैं, उसमें जब एक धूली कणा की वंदना करते हैं तो वो किसकी होगी, आप लोग अनुमान कर सकते हैं, राधा जी की चरणों की धूली होगी। इसलिए अंत में तो कहते हैं कि उस धूली को मैं प्रणाम करने के योग्य नहीं, उस दिशा को प्रणाम करता हूं, कह करके बहुत सी भावनाओं को लेकर के मस्त। तात्पर्य ये कि ये श्रीमद् भागवत इत्यादि जो है ये सब राधा पर राधा जी के भावों का ज्ञान, ऐसा किसी भी पुराण शास्त्र में नहीं है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, महाभारत इत्यादि का वर्णन है, जनक लीलाओं का भी कुछ संक्षेप में वर्णन है, किंतु मधुर रस का वर्णन ये कहीं श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त है। इसलिए जितने भी उसके प्रधान पात्र हैं सब लोग गोपियों की वंदना कर रहे हैं, यहां तक कि कृष्ण भी वंदना कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया तेजो बाय मृदा यथा देवयो सर्वो अम्बिषा भावना श्रमेश सदा निरस्तम सत्यम पर्वधी। ये राधिका जी कृष्ण की तेज स्वरूप है, उनकी शक्ति है। आज वो अपने धाम में जहां पर कि ये कुहूक इत्यादि माया नहीं है, जहां पर अपने प्रियतम कृष्ण के साथ में रहती हैं, वही सत्यम परम धीमहि, मैं वही परम सत्य स्वरूप है राधिका जी के चरण, उसकी मैं वंदना करता हूं। अजय कैसे आपने ये कहा, इसलिए श्रीमद् भागवत में और एक जगह आता है ऐसे, वो क्या है, स्वधाम ने राधसा रंशते नमः। ये सभी श्लोक इनको याद होगा कि तुम भाव उसका आप लोगों के सामने, लोग कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं, किंतु हमारे आचार्य ने कहा ऐसे कोई लाइन नहीं श्रीमद् भागवत की, कोई ऐसा पद्य नहीं जिसमें राधा जी का नाम है, चाहे अनुमेरिक में हो अथवा भी करे जरूर उसमें रहेगा, कहीं कहीं पर सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं सकते। इसलिए राधा जी की आराध्या देवी, उनका नाम लेने से क्या होगा, छह महीने की मूर्छा हो जाए, विषय बदल जाता था, अभी सात दिन का समय है परीक्षित के लिए, इसलिए जान पूछ करके अपनी आराध्या का नाम नहीं लेना, न तो श्रीमद् भागवत का प्रकाश ही नहीं होगा। इसलिए और विशेष करके अपने आराध्य का नाम, अपने पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, और उसके लिए भी और उसके लिए भी, जैसे जहां कहा उनकी स्तुति आई, वो कौन थे, श्री सुख श्रिया जी के सुख थे, प्रिया जी के लिए सुख थे, कृष्ण के भी प्रिया जी के सुख थे, बड़ा सुंदर रूप में यह अपने गोपाल थे, इसमें कवि कर्णपुर ने वृंदावन चंपू में इस सबका वर्णन किया है, राधा जी के इस महिमा के लिए राधा महिमा कितनी अपराध, तो उसमें कहते हैं अपने धाम में जहां पर कि माया नहीं, वैकुंठ के भी एकदम भीतर में उसके रहस्य स्थल में ये गुरु वृंदावन, उस धाम में राधा जी विराजमान। ऐसा मत समझिए जैसे राधा जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भी राधा जी की सेवा कर रहे हैं, ये विशेषता है श्रीमद् भागवत इसीलिए प्रकाशित हुआ। और भी अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिदेश्वर जन्मो विहाय गोविंद इत्यादि, ये राधा जी उनकी सबसे अधिक श्रेष्ठ आराधना, ये सब गुरुदेव के निषेध इसकी बहुत व्याख्या है। अंत में यही कहना चाहूंगा, ये और लोगों की तो बात क्या है, जब ब्रह्म सुख नारद भीष्म मुखई रालक्षितो न सहसा पुरुष तस्य शब्द वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति राधिका चरण। ब्रह्मा जी भीष्म जी नारद सूर ये सभी जिस परम पुरुष कृष्ण को भी अच्छी तरह से जान नहीं पाए, यदि जानना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए सहज है चूर्ण है, वो चूर्ण क्या राधा जी के चरण की रज कितनी शक्तिशाली है, जो कृष्ण वशीभूत में हो जाएंगे उनको तत्व से जानने की तो बात ही दूर है, उनके वशीभूत
इसीलिए कहते हैं जब किम करीस बहुसा खलु कातुगामी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखण्ड भवति जस्य आपदारसुहे शुभांग जाया तथे कुंज भवनांगन मार्जन निश्याम। मैं राधा जी के कुंजों में झाड़ू देने वाली एक झाड़ू की शी बन जाऊं, सलाता बन जाऊं, जिससे उनकी कुंजों में सेवा होती है, झाड़ू की लगती है। क्यों? इसलिए जब किम करीस बहुसा खलु कातुगामी, जिसके कुंज के द्वार पर अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त ऐश्वर्यों के सभी परिपूर्ण कृष्ण वहां पर भिखारी बन जाते हैं और राधिका जी से मिलन करने के लिए हमको थोड़ा सा मिला दो, उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं और उनकी कंकरिया जो रूप मंजर इत्यादि है नहीं तो काले तुम यहां से लौट जाओ, उनसे मिल नहीं सकते। और वो काकू मंती करते हैं उनके दासियों के चरणों में, तो राधिका जी की महिमा और कितना है समझो। इसलिए कहते हैं, इसलिए राधिका जी की दासी पर से होने से और कुछ भी श्रेष्ठ करता नहीं। जब ब्रज में रहे, जब श्रीमद्भागवत का अध्ययन किया, रसिक वैष्णवों का संग किया, तो राधा जी के दासी से पढ़कर के और कोई पदवी नहीं। हमारे विठल जी, हमारे वल्लभाचार्य के सुपुत्र और परम भक्त वही कहते हैं, श्याम सुंदर स्कंद शेखर स्नेहा सुरभी सुनोहर राधिका रसिक मान कृपा निधे स्वप्रिया चरण की तो स्वप्रिया चरण की तो प्राणनाथ विशुभान नंदिनी श्री मुखाभ्य रस लोल सरपत राधिका पद तले कृति स्थिति स्वाम भजाम दृश्य। आप राधिका जी के चरण तलवे में पड़ी रहूं, इससे पढ़कर के और हे श्याम सुंदर आप हमारे पर। इस प्रकार से हमारे गोस्वामी की तो और भी अधिक सकते, इससे आप लोगों को राधिका जी के प्रति यह भाव उत्पन्न हो, इससे बढ़कर के जगत में और कोई भी प्रधान नहीं, कोई भी मंत्र जप तप कुछ नहीं। इसी को देने के लिए हमारे कृष्ण ही राधिका जी के भाव और अंग कांति को ग्रहण करके सती नंदन बहुत गरीब के रूप में बताए चैतन्य महाप्रभु। और कुछ नहीं, क्या है हमारे गोस्वामियों की मानता नहीं अनुभूति है। यदि प्रेम चाहो तो चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाओ, वो इसीलिए आए राधा जी का दास्य देने। एक श्लोक रूप गोस्वामी का है, महाप्रभु की कृपा से ये उनको प्राप्त हुआ, अनर्पित चरण चिराग कर्मयावतीर्ण करो समर्पयित तुम उन्नतोज्जल रसाम स्वभक्ति श्री हरि अपूर्व सुंदर द्यूत कदम संदीपित सदा हृदय कंदर श्रुत देश करें। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं,